MS Excel 2016 के इस अध्याय में बेस्ट स्पेशल के तहत आज जिन ऑप्शंस का उपयोग करना आप सीखेंगे वो हैं ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कॉलम विड्थ्स, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स और ऑल इमर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बेस्ट स्पेशल के अंतर्गत फॉर्मूलाज, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स और वैलिडेशन कॉपी करना और उन्हें पेस्ट करना बताया था। इस वीडियो में हम आपको सोर्स थीम, बिना बॉर्डर के डेटा, कॉलम विड्थ, फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट तथा वैल्यू और नंबर फॉर्मेट कॉपी करना और उन्हें पेस्ट करना बता रहे हैं। यदि हमारे पास कोई डेटा है और हम उसी थीम पर आगे कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले डेटा कॉपी कर लेंगे और जहां पर डेटा पेस्ट करना हो वहां क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर ऑल यूजिंग सोर्स थीम ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए उस डेटा के अनुसार थीम यहां पर आ गई है। अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा में परिवर्तन कर सकते हैं। इसे हम वापस नॉर्मल कर देते हैं। अभी हमने डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी किया हुआ है, अब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जा करके यहाँ पर हम देख सकते हैं अगला ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। यदि आप बॉर्डर को छोड़कर पूरा डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चुनें और ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए बॉर्डर्स को छोड़कर के पूरा डेटा यहाँ पर कॉपी हो गया है। इसमें वैल्यू, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज सभी आ गए हैं, केवल बॉर्डर्स नहीं हैं। इसको भी हम अंडू कर देते हैं। ये यहाँ पर इस डेटा में हमने कुछ कॉलम्स की विड्थ बढ़ा दी है, कुछ कॉलम्स की विड्थ घटा दी है। अब मान लीजिए हमें अपने किसी डेटा की सिर्फ कॉलम विड्थ ही कॉपी करना है तो उसके लिए जहाँ कॉलम विड्थ पेस्ट करना हो वहां पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएं और कॉलम विड्थ ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें। ये देखिए यहां पर सभी कॉलम के विड्थ इस डेटा की तरह ही हो गई है। हमने कॉलम्स के विड्थ घटाई बढ़ाई इसीलिए थी ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें। अब यदि हम चाहते हैं कि फॉर्मूला के साथ साथ नंबर फॉर्मेट भी कॉपी हो जाए तो उसके लिए डेटा सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहां से हम फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स ऑप्शन चुनकर ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए जहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला यहां पर आ गया है और नंबर्स भी परसेंटेज के निशान के साथ यहां पर आ गए हैं। लेकिन ऊपर वाले डेटा में जो कलर और बॉर्डर दी हुई है वो यहाँ नीचे नहीं आई है। अगर आपको फॉर्मूलाज कॉपी नहीं करना है, केवल वैल्यू और नंबर फॉर्मेट ही कॉपी करना है तो वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स ऑप्शन चुनें। देखिए यहाँ पर केवल वैल्यू और नंबर फॉर्मेट कॉपी हुआ है, फॉर्मूलाज, बॉर्डर और कलर यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ है। अगले ऑप्शन को समझने के लिए हम अपने डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। हमारे पास जो डेटा है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी की हुई है और हम चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग सहित ये कॉपी हो जाए तो इसे सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाकर ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स चुनेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए डेटा में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी हुई है वो भी कॉपी हो गई है।
इसके अगले वीडियो में हम आपको पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत एड, मल्टीप्लाई, स्किप ब्लैंक्स, ट्रांसपोज आदि ऑप्शंस का उपयोग करना बताएंगे।